मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूपी पाठशाला पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने आपसे बोला था कि हम आपके DLED फोर्थ सेमेस्टर मैथ की क्लासेस शुरू करने वाले हैं 20 तारीख से। तो आज आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। ये आज आपकी पहली क्लास है जिसमें हम आपके सिलेबस का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक। इसको पढ़ेंगे। सारी की सारी चीज़ें आपके सिलेबस में बेसिक हैं, ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नर्सरी क्लास का मैथ है आपका। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे ही आपको करना, जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं उनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से बार बार, बस इतना करना है। मैं गारंटी लेता हूं, आप अगर एवरेज स्टूडेंट हैं, आपको मैथ नहीं आता है, तो 15 से 20 नंबर आराम से गेन कर लेंगे BTC फोर्थ सेमेस्टर मैथ में, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आती है और वीडियोस चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप सभी पे शेयर कर दीजिए, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ डेफिनेशन कि कर्णी संख्याएं होती क्या हैं, कर्णी संख्याएं हम किनको बोलते हैं। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे कर्णी संख्याओं की, ठीक है। तो परिभाषा क्या है, परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेफिनेशन, ठीक है। परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, एनवा मूल नहीं निकाला जा सकता है, या कोई प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती है। वे सभी संख्याएं करणी संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। डेफिनेशन का मतलब ये है, ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं जिनका हम वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल या एनवा मूल नहीं फाइंड कर सकते, नहीं निकाल सकते, या उनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल या एनवा मूल कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होगी या परिमेय संख्या नहीं होगी, तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, हमारी करणी संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने आपसे बोला, सबसे पहले कुछ बच्चे सोचेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है या परिमेय संख्या क्या होती है, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं की बात करें हम, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिससे, जिनके द्वारा हम किसी वस्तुओं को गिनते हैं, काउंट करते हैं। मैं आपसे पूछूं कि काउंटिंग हम कितने नंबर से शुरू करते हैं, कहां से शुरू करते हैं हम काउंटिंग, तो आप बोलेंगे जीरो से नहीं करते ना, किससे शुरू करते हैं काउंटिंग, हम वन से शुरू करते हैं। तो इसका मतलब कहां तक चलते हैं हम, 1 2 3 4 5 इस तरीके से वस्तुओं को गिनते हैं, नहीं गिनते, ठीक है। तो वन से जो संख्याएं हमारी स्टार्ट होती हैं 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक,
प्लस इनफाइनाइट तक ये जाती हैं, तो वो सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब बात ये परिमेय संख्या की, कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या की बात करते हैं यदि हम, तो वे सभी संख्याएं, वे सारी की सारी संख्याएं जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, हमेशा हमेशा क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और पी तथा क्यू, पी तथा क्यू दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, जिसको इंग्लिश में बोलते थे हम इंटीजर। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंटीजर्स होने चाहिए। अब आप बोल रहे होंगे कुछ बच्चों को पता होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि इंटीजर्स के बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको इंटीजर्स भी बता देता हूं क्या होते हैं। देखो, अगर मैं इंटीजर्स के सेट की बात करूं, तो इंटीजर का सेट को हम आई से डिनोट करते हैं, और ये वे संख्याएं होती हैं जिसमें जीरो होता है, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, उधर निगेटिव संख्याएं होती हैं प्राकृतिक, इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये जो सेट होता है हमारा, वो किसका होता है? इंटीजर का सेट होता है। ठीक है, पूर्णांक का सेट होता है। तो आई थिंक आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी कि कर्णीय संख्याएं क्या होती हैं। वे सभी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल या एनवा मूल नहीं फाइंड कर सकते, या उनका घनमूल, वर्गमूल, चतुर्थमूल, एनवा मूल कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, या उनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, एनवा मूल कोई परिमेय संख्या नहीं होगी, वे सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? कर्णीय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। डेफिनेशन लिख लेना, और जितने भी मैं बता रहा हूं उसे अच्छे से नोट करते रहना, और बार बार रिविजन करना है आपको। ठीक है, तभी मैथ बना पाएंगे आप अच्छे से। चलिए, अगर आगे की बात करें हम, आगे मैंने आपको लिखा कि मैंने कोई करणी लिखी, करणी में कोई संख्या लिख दी x, और इसकी पावर क्या है? n। इसको हम घात बोलते हैं करणी की। ठीक है, तो ये जो होगा, ये एक्सप्रेशन जो होगा सारा का सारा, ये जितना मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम करणी संख्या, करणी संख्या। क्या बोलते हैं इसको? करणी संख्या बोलते हैं। और इसमें x जो है हमारा, वो क्या कहलाता है? हमारा करणीगत, करणीगत राशि कहलाती है। ठीक है, जो भी हमारा x की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी? करणीगत राशि होगी। ठीक, अगर मैं n की बात करूं, तो n हमारा क्या होता है? करणिका, करणिका घातांक, या इसको हम घात भी बोल सकते हैं। ठीक है, एन क्या हमारा? कर्णिका घातांक, या घात भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो होता हमारा, इसको हम बोलते हैं करणी चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको? करणी चिन्ह। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। करणी चिन्ह हो गया, कर्णिका घातांक हो गया, कर्णीगत राशि होगी, कर्णी संख्या हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, नोट कर लीजिए इसे अच्छे से। ठीक है, नोट कर लो, मिटा दो इसको। चलिए मिटा देता हूं, आगे की बात बताता हूं मैं आपको। यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या इस तरीके से लिखी हुई है, ठीक, इसमें कोई संख्या x मान ली मैंने, तो इसकी पावर जो होगी, घात जो होगी, उसको मैं क्या लिख सकता हूं? या तो मैं इसको एज ए दिस ही लिखूंगा। ठीक है, ये एनवा मूल होगा इसका, इसको क्या बोलेंगे? एनवा मूल, एनवा मूल हम इसको बोलेंगे। ठीक, या फिर मैं इसको पावर को कैसे लिख सकता हूं? संख्या x एज इट इज रहेगी, और पावर हमारी क्या आएगी? 1 बाई n। ठीक, जैसे मैंने एग्जांपल की बात करी आपसे, मैंने बताया कि रूट 5 की पावर 3। ठीक, रूट 5 की पावर 3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं मैं? 5 की पावर 1 बाई 3। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर मैंने बोल दिया रूट
करणी को इंग्लिश में रूट बोलते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर मैं रूट भी बोलूं तो कंफ्यूज नहीं होना, करणी को ही इंग्लिश में रूट बोलते हैं। इसकी पावर मैंने कर दी 9, ठीक, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 7 की पावर 1/9, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी आपको। एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको कि यदि मैंने कोई संख्या लिख दी, मैंने संख्या लिख दी 21 एज इट इज, ठीक है, अब यहां पे तो कोई पावर लिखी नहीं हुई है, कोई भी पावर नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, जब आपको सीधा सीधा रूट हो और रूट में कोई संख्या हो तो उस संख्या की जो पावर होती है वो हमेशा 2 होती है। तो इसकी पावर कितनी आएगी, 21 की पावर 1/2, ठीक। यदि मैं यहां, यदि मैं 2 लिख दूं यहां तब भी 1/2 ही आएगी, यदि मैं 2 ना भी लिखूं तो हमेशा आपको क्या समझना है कि इसकी पावर क्या है, 2 है, करने की घात क्या है, 2 है, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा दूं, चलो मिटा देता हूं, चलिए आगे चलते हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि करणी की घात फाइंड कीजिए, जैसे मैंने आपसे बोला क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित करणी की घात बताइए, ठीक है, मैंने आपसे बोला निम्नलिखित करणी की घात बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ठीक है, ये है, आपको करणी की घात बतानी है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, पावर देखनी है कितनी है, घात कितनी है, करणी के आगे कितना लिखा हुआ है तो वो देखना आपको। तो इसमें पहले वाले की जो घात होगी करणी की वो कितनी होगी, सीधा सीधा 7 हो जाएगी, दूसरे की घात कितनी होगी, इसकी घात कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, और इसकी घात क्या होगी, इसकी घात आपकी सीधी सीधी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। सीधी सीधी बतानी है कि घात कितनी होगी, 7 होगी, n होगी, 16 होगी, बेसिक चीजें हैं, डरना नहीं है बिल्कुल भी, मैं गारंटी लेता हूं मैथ में आपको सिखा दूंगा, लेकिन आपको मेरे अनुसार चलना होगा, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाने हैं जितनी भी चीजें बताता हूं आपको, और प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक। चलिए चलिए आगे चलते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी पे शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूं, ठीक है। आ रही है बात समझ में, चलिए अगर बात कर लेते हैं आगे करणी के घातांक के नियम, ठीक है, करणी के घातांक के नियम के बारे में पढ़ लेते हैं। यदि a कोई परिमेय संख्या है, तब यदि पहला जो नियम है a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो क्या करेंगे आप, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये आपको बताना। देखो यदि बेस सेम हो, बेस क्या है, ए है, यहां पे भी ए है, यदि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो या पावर सेम भी हो तो क्या होती है, आपस में गुणा में क्या होती है, जुड़ जाती है पावर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए की पावर एम प्लस के एन, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से, ठीक। चलिए अगर दूसरे रूल की बात करूं मैं आपसे कि ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन, ठीक, डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन लिख सकता हूँ, ठीक है, डिवाइड का मतलब यही होता है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये पावर ऊपर जाएगी तो किस में जाएगी, माइनस में जाएगी, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा, ए की पावर एम माइनस एन, ठीक है। तो ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए की पावर एम माइनस एन होती है, ठीक है। आई थिंक ये भी बात समझ में आ रही होगी। चलिए तीसरे की बात करते हैं, अगर हम
तीसरा जो नियम है, यदि a की पावर m है और उसकी पावर क्या है n है, तब क्या होता है हमारा, इसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, a की पावर क्या आएगी मेरी m इंटू n, ठीक, m इंटू n हो जाएगी a की पावर। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगर मैं रूल नंबर, नियम नंबर फोर्थ की बात करूं, फोर्थ नियम क्या कहता है, फोर्थ नियम यह कहता है कि यदि a और b, ए भी हमारी क्या कोई परिमेय संख्या और बी भी यहाँ पे भी क्या होगी परिमेय संख्या होगी कोई, और इसकी पावर क्या है आपकी एन है, तब क्या होगा, तब ए की पावर एन मिलेगा मुझे इंटू बी की पावर एन मिलेगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी, ए की पावर एन मिलेगा, बीपी की पावर एन मिलेगा। उसके बाद जो नियम नंबर फाइव है आपका, वो नियम नंबर फाइव ये कहता है कि यदि ए अपॉन वी, ए अपॉन बी की पावर एन है, तब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तब मैं इसको लिख सकता हूँ ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन, ठीक, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी किसी को भी, अच्छे मैं सब समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है। चलिए रूल नंबर सिक्स है कि यदि ए कोई परिमेय संख्या है और उसकी पावर क्या है जीरो है, कोई भी संख्या हो, परिमेय हो, इंटीजर्स हो, प्राकृतिक संख्या हो, कुछ भी हो, किसी भी संख्या की पावर अगर आपको जीरो मिल जाती है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, वन होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। रूल नंबर सेवन की बात करूं, यदि मैं, यदि ए की पावर वन होगी तो क्या होगा, ये ए की पावर वन का मतलब होता है ए, ठीक, ए की पावर वन का मतलब ए, बेसिक चीजें हैं, कुछ बच्चों को आती भी होंगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं होते, तो सारी चीजें बेसिक से बताना जरूरी है, ठीक है, धैर्य बना के पूरी वीडियो को आराम से देखें, मैथ में 20 नंबर आराम से आएंगे अगर आप मेरे हिसाब से चलते हैं, तो फेल तो कोई होने का ही नहीं है, ठीक है। चलिए यदि मैं बात करूं रूल नंबर एट की, रूल नंबर एट है आपका कि यदि ए अपॉन बी की पावर, ए अपॉन बी की पावर माइनस एम अपॉन एन है, ए अपॉन बी की पावर माइनस एम अपॉन एन है, तब हम क्या लिख सकते हैं इसको, तब हम इसको लिखेंगे बी अपॉन ए, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, बी को ऊपर लेके जाएंगे, ए को नीचे ले आएंगे, और पावर हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, एम अपॉन एन, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। ये तो आपके घातांक के नियम हो गए, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर आपको कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, लिख लो इसको, मिटा दूं, चलिए मिटा देता हूं इसको, मिटा दूं इसको, चलिए मिटा देता हूं, चलिए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि घातांक के नियम पर आधारित क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकते हैं आपके यहाँ। जैसे कि मैंने आपसे बोला क्वेश्चन एक, क्वेश्चन बोला कि एट की पावर क्या है, एट की पावर क्या है आपकी माइनस थ्री, एट की पावर क्या है माइनस थ्री है, तब आपको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपसे बताया था कि यदि पावर नेगेटिव हो, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बेस को हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, पावर इसकी कितनी हो जाएगी 3, ठीक, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, बेस को हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो देखो कितना आएगा, ये 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, और 8 की पावर 3 ये हो जाएगा, ठीक है आंसर, ठीक है, 8 की पावर आप निकाल सकते हैं कितना होता है, 512 होता है, ठीक, तो ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि क्वेश्चन नंबर दो की बात करी मैंने, एक क्वेश्चन है कि एट की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 27 की पावर 1/3,
इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे आप तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्यूब मूल है, घन मूल है ये आपका 8 का घन मूल है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, 8 की पावर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 1 है, 2 एज इट इज रहेगा, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 27 की पावर क्यूब रूट 27 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जो यहाँ पावर होती है जैसे 3 पावर है यहाँ पे, इसकी गणने की घात क्या है, 3 है, तो हमें 8 के क्या करने, ऐसे फैक्टर करने, ऐसे गुणनखंड करने जिनका 3 का पेयर बन जाए। 3 का हमें क्या बनाना, 3 का एक समूह बनाना है, जोड़ा बनाना है, ठीक है। जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 तो ऐसे दिस रहेगा, और देखो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सेम फैक्टर करने पड़ेंगे, सेम संख्या के 3 नंबर के पेयर बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे, देखो इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 × 3 लिख सकता हूँ। आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, जैसे मैंने यहाँ से बोला मैंने आपसे कि यहाँ से 3 का पेयर बन गया, जितनी पावर है उतनी का ही हमें क्या करना है, पेयर बनाना। तो यहाँ से क्या लिख लेगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ 2 ऑलरेडी है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 2 = 4 = 12 आंसर, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं करणी के नियम। करणी के नियम क्या होते हैं, करणी के नियम के बारे में जान लेते हैं। करणी के नियम, ठीक है, करणी के नियम, जैसे कि मैंने पहले माना था कि यदि ए कोई क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब, ठीक है, तब पहला जो रूल है आपका करने का, पहला रूल ये कहता है कि रूटी बोलो या करनी बोलो, एक ही बात है, इंग्लिश में रूट बोलते हैं इसको, हिंदी में करनी बोलते हैं, की पावर एन, ठीक है, की पावर एन, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो अगर मैं इसको खोलने की बात करूं तो मैंने बताया था कि इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/n लिख सकते हैं। शुरू में मैंने आपसे बताया था कि पावर भी क्या है, आपकी n है, ठीक। अभी मैंने घातांक के नियम में बताया था कि a की पावर m की पावर n हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू m लिख सकते हैं, जो कि क्या है, n ही है, n से n कैंसिल होगी तो क्या आ जाएगा, a की पावर 1 आएगी, तो a की पावर 1 की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी अभी आपको, a, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, ए होगी। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ रही होगी। चलिए दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। दूसरा नियम है आपका कि यदि करणी में ए बी कोई 2 परिमेय संख्याएं हैं और उसकी घात क्या है, एन है करणी की, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं करणी में ए की घात एन इंटू करणी में बी की घात एन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, करणी में a की घात n, करणी में b की घात n, ठीक, आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करें, नेक्स्ट नियम आपका नियम नंबर 3 है। नियम नंबर 3 ये कहता है कि यदि a अपॉन v करणी में है, उसकी पावर n है, तब आप उसको क्या लिख सकते हैं, तब आप उसको लिख सकते हैं करणी में a की पावर n अपॉन करणी में b की पावर n, ठीक है, करणी में a की पावर n अपॉन करणी में b की पावर n, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे लिख देता हूँ इधर। यदि रूल नंबर नेक्स्ट की बात करूँ मैं, रूल नंबर नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 4। यदि करणी में आपका a है, करणी में आपका a है, उसकी पावर n है, और उसकी भी पावर आपकी क्या हो जाए, m हो जाए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखो मैंने बताया था आपको, जैसे मैंने क्वेश्चन में पहला वाला रूल बताया था वैसे ही करना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n की पावर m, ठीक। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो a की पावर n की पावर m के रूप में बन गया, घातांक के रूप नियम में मैंने आपको बताया था
कि इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 1/n इंटू एम, लिख सकते हैं, ठीक है, ए की पावर 1/n इंटू एम लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये यहाँ से आ जाएगा ए की पावर एम अपॉन एन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या आ गया, ये ए की पावर एम अपॉन एन, ठीक। अगर अगले रूल की बात करूं, अगले नियम की बात करूं मैं, अगला नियम है आपका रूट में की पावर एम रूट में ए की पावर एन, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो अगर पहले मैं अंदर वाले को सॉल्व करूं तो रूट करनी की पावर एम एज ए दिस रहेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए की पावर 1/n, लिख सकता हूं ए की पावर 1/n, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं है। चलिए अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये ए की पावर 1/n है, फिर इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/m हो जाएगी, ये हो जाएगी, आ रही बात समझ में। चलिए अभी मैंने आपको बताया घातांक के नियम में कि ए की पावर n की पावर m क्या होती है हमारी, ए की पावर n इंटू ए की पावर n, तो क्या मिलेगा ए की पावर 1/m इंटू n, ठीक है। आई थिंक ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। तो ये थे आपके करनी के नियम, ठीक, अच्छे से देख लेना, याद कर लेना। चलिए हट जाता हूँ मैं, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं आपको, आप इनको ठीक है लिख लीजिए। चलिए मिटा दूं इसको, चलिए मिटा देता हूं। चलिए मिटा देता हूं मैं इसको, अगर कर लिया हो तो मिटा देता हूं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित को सरल कीजिए, निम्नलिखित को सरल कीजिए, ये आपको लिख बताना। पहला क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन का भी पहला पार्ट है आपका, पहला पार्ट है 243 की पावर 3/5, दूसरा पार्ट है आपका 1/16 की पावर 1/16 की पावर माइनस के 5/4, और थर्ड क्वेश्चन है आपका 32 की पावर माइनस 1/5, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं आपके। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए, बना सकते हैं तो। चलिए पहले क्वेश्चन को मैं बताता हूं, जैसे कि पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो 243 की पावर कितनी है, 3/5, ठीक, 3/5 है, तो यदि मैं 243 को क्या लिख सकता हूं, 243 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, देखो 3 × 3 = 9, 3 × 27 = 81, 81 × 3 कितने होते हैं, 243 होते हैं, की पावर कितना आएगा 3/5, इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। चलिए आगे बात करूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1, 2, 3, 4, 5 बार मल्टीप्लाई में, तो 3 की पावर मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3/5 लिख सकता हूँ, ठीक, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चूंकि मैंने अभी आपको घातांक के नियम में बताया था कि यदि a की पावर n की पावर m हो तो हम क्या लिखते हैं उसको, उसको हम लिखते हैं a की पावर n इंटू एम लिखते हैं, ठीक है, वही हमें यूज करना है, क्योंकि देखो बेस क्या है, 3 है, की पावर n की पावर m, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 इंटू 3/5 लिख सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी, अगर हम 5 से 5 को काट दें तो कितना बचेगा हमारा, 3 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है आप सभी को पता है, 27, ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा पहले वाले का वो कितना होगा, 27, आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। एक बात और मैं आपको बताने चाहता हूं कि आपकी वीडियोज की जो लेंथ होगी वो बड़ी बड़ी होगी,
40 मिनट से कोई भी वीडियो आपको कम नहीं मिलेगी। तो वीडियो की लेंथ को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि सिलेबस आपका तभी कंप्लीट होगा जब वीडियो की लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर मैं 15-15 मिनट की वीडियो डालूंगा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक ही मंथ है आपके एग्जाम में, शायद आपको 22-23-24 में आपके एग्जाम हैं, तो उसी को देखते हुए वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो सकती है। तो लेंथ को देख के ना घबराएं, वीडियो को पेशेंस बना के देखें, अच्छे से देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं और रिवीजन करें बार बार, ठीक है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, फ्री क्लासेस दे रहे हैं, फ्री ही देते रहेंगे हमेशा, आपको यूपी पाठशाला पर फ्री क्लासेस मिलेंगी। बस आपको क्या करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियोज़ को, ठीक है। उन्हें भी बताना है कि इस तरीके से यूपी पाठशाला पर डीएलएड 4 सेमेस्टर का मैट चल रहा है या यूपी टेट 2019 की तैयारी चल रही है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटा दूं, आई थिंक ये समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए इसको मिटा देता हूं। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट ये है कि 1/16 की पावर माइनस के 5/4, 1/16 की पावर क्या है माइनस के 5/4। अभी मैंने एक रूल बताया था आपको घातांक के नियम में, घातांक के नियम में मैंने आपको बताया था कि यदि a की पावर a अपॉन b की पावर माइनस m अपॉन n है, a अपॉन b की पावर माइनस m अपॉन n है, तब हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं b अपॉन a की पावर m अपॉन n लिख सकते हैं, यही बताया मैंने आपको, ठीक है। घातांक के नियम और करणी के नियम बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो वो याद रखने हैं जरूर आपको, ठीक है। जब तक आप उन्हें याद नहीं करेंगे तब तक आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको वो याद ही करने पड़ेंगे, बार बार लिख के देखो, बार बार उनके बेस पे क्वेश्चंस बनाओ, आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है, अब वैसे ही ये क्वेश्चन आपको गिवन है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो a अपॉन b लिखा हुआ था तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, b अपॉन a कर दिया, पावर मेरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1/16 को 16 लिख सकता हूँ, उल्टा कर दूंगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो 16 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 की अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, 2 × 4 × 8 × 16, ठीक है। तो 2 की पावर 4 की पावर 5/4। फिर आपको एक घातांक का नियम और यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्या, क्योंकि चूंकि क्या होता है हमारा, a की पावर n की पावर अगर हम m करें तो क्या होता है, a की पावर n इंटू m, पिछले क्वेश्चन में भी ये यूज हुआ था तो इसमें भी ये यूज होगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखो 2 की पावर 4 × 5/4 लिख सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल होगा, कितना आएगा, 2 की पावर 5, जो क्या होता है आपका 32 आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए इसको भी मिटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस टाइप से है, बनेगा आपके एग्जाम में। अगला पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है इसका 32 की पावर -1/5, ठीक है। सेम जो हमने पिछला पार्ट किया था ये वाला सेम वैसे ही करना है। देखो इसमें क्या लगेगा, a अपॉन b की पावर अगर माइनस के m अपॉन n है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, b अपॉन a की पावर m अपॉन n लिख सकते हैं। तो वैसे ही हम इसको क्या करेंगे, 1/32 की पावर क्या हो जाएगी, ये 1/5 हो जाएगी, ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या लिख सकते हैं, 1/32 की पावर 1/5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 5 की पावर 1/5, इतनी बात समझ में आ रही है, 1/5 कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि a की पावर n की पावर अगर m होती है तो a की पावर n इंटू m होती है, ठीक। अब एक बात और समझिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि a अपॉन b की पावर क्या है, n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर n अपॉन a की b की पावर n लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर a अपॉन b की पावर n है तो a की पावर n अपॉन b की पावर n लिख सकते हैं हम। तो वैसे ही इसको मैं a मान लूं 1 को और इसको मैं b मान लूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 1 की पावर 1/5 / 2 की पावर 5 की पावर 1/5 लिख सकता हूं।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहां तक। अब वन की पावर आपको पता है, अगर वन की पावर कुछ भी कर लो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 1/5 कुछ भी कर लो, इनफाइनाइट कर लो, हमेशा वन ही होती है। वन की पावर कुछ भी करेंगे तो हमेशा क्या मिलता है हमको, वन ही मिलता है। मैं यहां लिख देता हूं, वन की पावर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा अपॉन में क्या है, 2 की पावर n की पावर m है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 × 1/5। 5 से 5 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 इज माई आंसर। ठीक है, आई थिंक ये चीजें भी आपको समझ में आई होंगी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।